जागरण जोश को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। भारतीय संस्कृति में दूध की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण बताई गई है। इसे हर उम्र के लोग ले सकते हैं और ये आपके मानसिक विकास के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि दूध के प्रकार A1 और A2 होते हैं? क्या अलग अलग गायें A1 और A2 प्रकार के दूध देती हैं? और A1 और A2 दूध में क्या अंतर है? आज इस वीडियो के जरिए हम यही जानेंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है कि दूध कैल्शियम और प्रोटीन का एक बड़ा स्रोत है। इसके अंदर और भी विभिन्न तत्व पाए जाते हैं, जैसे लैक्टोज, फैट, अन्य विटामिन्स और मिनरल्स। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश में दूध की कमी कब से हुई, क्यों आज इसके ऊपर इतनी रिसर्च हो रही है और साथ ही क्यों ये इतना बड़ा मुद्दा बना हुआ है डिस्कशन का? अगर आपको ये जानना है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेगा। सबसे पहले देखते हैं कि दूध में किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। दूध में दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं, वे और केसीन प्रोटीन। केसीन प्रोटीन भी दो तरह का होता है, अल्फा केसीन और बीटा केसीन। दूध में पाए जाने वाले प्रोटीनों का सबसे बड़ा समूह केसीन का ही होता है, जो कुल मिलाकर प्रोटीन का 80% होता है। यही अगर हम बात करें तो बीटा केसीन भी दो रूपों में पाया जाता है, एक A1 और दूसरा A2। आइए आप देखते हैं कि A1 और A2 दूध में क्या अंतर होता है। मार्केट में दो प्रकार के दूध मिलते हैं, A1 और A2। हम कह सकते हैं कि A1 टाइप का दूध A1 टाइप की गाय देती है, जबकि A2 दूध A2 टाइप की गाय ही देती है। हालांकि अगर हम बात करें भारत के अंदर या फिर पूरी दुनिया में, तो ज़्यादातर लोग A1 टाइप दूध का ही इस्तेमाल करते हैं, A2 दूध का इस्तेमाल बहुत कम होता है। अब देखते हैं कि A2 दूध किस प्रकार की गाय देती है। A2 मिल्क मिलता है प्राचीन गाय या फिर देसी गाय से। ईस्ट अफ्रीकन देशों में भी जो दूध मिलता है वो A2 मिल्क ही कहलाता है। वहीं A1 दूध मिलता है फॉरेन ब्रीड गाय से या जो मिक्स्ड रेस की गाय होती है उनसे। हम जानते हैं कि दूध में 80% केसीन प्रोटीन पाया जाता है, मगर जो देसी गाय A2 दूध देती है उसमें केसीन प्रोटीन के साथ साथ एक खास प्रकार का अमीनो एसिड भी पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं प्रोलीन। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दूध में जो प्रोटीन होता है वो पेप्टाइड्स में तब्दील होता है, बाद में यह अमीनो एसिड्स का स्वरूप लेता है। अब सवाल उठता है कि कौन सी गाय सबसे ज्यादा पाई जाती है। A1 गाय भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है, बाहर के देशों में भी अधिकतर यही गाय मिलती है। इन्हें हाइब्रिड गाय भी कहते हैं। A1 गाय के दूध में एक अलग प्रकार का अमीनो एसिड होता है, जिसे हिस्टिडाइन कहते हैं। इन सब में अमीनो एसिड का काफी बड़ा रोल होता है, पर कैसे? A2 दूध में जो प्रोलीन मिलता है वो हमारी बॉडी में BCM7 को पहुंचने से रोकता है। BCM7 एक ओपियाइड पेप्टाइड होता है। ये प्रोटीन हमारे बॉडी में आसानी से नहीं पचता है, इससे इंडिजेशन हो सकता है और कई रिसर्चर्स ने तो ये भी पॉइंट आउट किया है कि इससे और भी कई तरह की बीमारियां या परेशानियां हो सकती हैं, जैसे कि डायबिटीज इत्यादि। BCM7 प्रोटीन A2 दूध देने वाली गायों के खून, यूरिन या फिर आंतों में नहीं पाया जाता है। हालांकि यही प्रोटीन A1 दूध देने वाली गायों में पाया जाता है, इसीलिए A1 दूध को पचाना इतना आसान नहीं होता है। BCM7 हमारे शरीर के लिए कितना खतरनाक है और इस पर हुई रिसर्च क्या कहती है? कुछ रिसर्चर्स से यह भी पता चला है कि A2 दूध को पचाना ज्यादा आसान होता है। US नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की रिपोर्ट के अनुसार A1 बीटा केसीन वाले दूध में BCM7 ज्यादा मात्रा में होता है। अगर ये बच्चों को दिया जाए तो उन्हें डायबिटीज, हार्ट की प्रॉब्लम्स इत्यादि हो सकती हैं। कुछ रूस के शोधकर्ताओं के अनुसार BCM7 बच्चों के खून में पास हो जाता है और ये ब्रेन से मांसपेशियों के बीच होने वाले विकास को भी रोक देता है। ये रिसर्च इंटरनेशनल जर्नल पेप्टाइड्स में पब्लिश करी गई थी। इंडियन जर्नल ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म 2012 के अनुसार डायबिटीज टाइप 1 का कुछ हद तक A1 दूध से कनेक्शन है, और इसके अलावा हार्ट की समस्या, मेंटल डिसऑर्डर, ऑटिज्म, एलर्जी और स्किज़ोफ्रेनिया का होना भी, क्योंकि BCM7 ब्लड से ब्रेन में चला जाता है। साथ ही एक और रिसर्च के अनुसार A1 दूध को लेने से किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है, ये शरीर को किसी भी प्रकार की हानि या फिर नुकसान नहीं पहुंचाता है।
इसीलिए ये कहना गलत होगा कि A1 दूध पूर्ण रूप से नुकसानदायक है, क्योंकि अभी तक ये कहीं पर भी इस तरह से प्रूव नहीं हो पाया है। अंत में देखते हैं कि भारत में दूध की कमी होने के कारण क्रांति कब आई। वर्ष 1970 में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने ऑपरेशन फ्लड की भारत में शुरुआत की थी, ताकि भारत में बढ़ती हुई आबादी के साथ दूध की कमी जो बढ़ रही थी उससे निपटा जा सके। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य था दूध के उत्पादन में वृद्धि, ग्रामीण उत्पादन को बढ़ावा देना और उपभोक्ताओं को सही मूल्य प्रदान करना। इस उद्देश्य की आपूर्ति के लिए क्रॉस प्रजनन का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से भारत में देसी गायों की कमी हो गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और अन्य ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए विजिट करें jagranjosh.com। टिल द नेक्स्ट टाइम, इट्स अ गुड बाय।